रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मैकलुस्की गंज लूटकांड का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को दबोचा है। आपको बताएं कि चारों आरोपी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 4 लाख की लूट में शामिल थे। आरोपियों के पास से कट्टा कारतूस बरामद हुआ है। दूसरे वारदात जो है खरसीदाग एनएच में हुई है। लूट के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहां एक ट्रक चालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने पीसी कर जानकारी देते हुए कहा है कि वहीं पुलिस ने 2 किलो गांजा भी बरामद किया है और उसके साथ एक गांजा कारोबारी को पकड़ने में भी पुलिस को सफलता मिली। और एसडीपीओ खिलाड़ी के नेतृत्व में एक टीम फ्रेम किया गया था। जब ये टीम अपने इस एक्शन में काम कर ही रही थी तो ज्ञात हुआ कि कल फिर से कुछ लोग किसी एक जगह पे खड़े हैं, फिर से किसी नई घटना को अंजाम देने वाले हैं। तो उसमें एक रेड किया गया एसडीपी खिलाड़ी के नेतृत्व में और वहाँ से 4 लोगों की अरेस्टिंग की गई, जिसमें से जसीम अंसारी, साहिल अंसारी, अंकित कुमार, राजा सिंह और इनके पास से देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस और भारत फाइनेंस कंपनी से लूटे गए पैसे में से 1,71,250 रुपये की रिकवरी की गई। और इनकी टीम के द्वारा एक क्विक रेड किया गया और इस क्विक रेड में जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त हैं सरवर आलम, मोहम्मद वसीम और इरफान आलम, इन तीनों की अरेस्टिंग की गई है। साथ ही वो ट्रक को लूटने से बचाया गया है और इनके पास से एक ऑटो, एक चाकू, 500 बरामद किया गया है। तो ऑन द स्पॉट इंफॉर्मेशन और इमीडिएट रिस्पॉन्स से घटना को घटने से रोकने की जो एक परंपरा है उसके तहत हम थाना प्रभारी खुर्शीदा के इस प्रयास की सराहना करते हैं। आप लोगों को ज्ञात भी होगा इससे पूर्व में भी शराब के बहुत सारे अड्डे को नेस्तनाबूद किया गया है, ध्वस्त किया गया है। इसी कड़ी में इटकी पुलिस के द्वारा एक अजय कुमार साहू नाम के एक प्रोफेशनल गांजा सेलर की अरेस्टिंग किया गया है और इनके 50 ग्राम गांजा की रिकवरी की गई है। तो ऑफकोर्स मैं और बहुत सारे चिलम विलम चिलम बोलते हैं इसको इसके रिकवर की